फरवरी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट GIS में गोरखपुर शानदार भागीदारी की तैयारी के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। GIS के मद्देनजर जिले को अब तक 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। इन प्रस्ताव के मूर्त रूप में आने से करीब 50,000 लोगों को रोजगार मिलना संभव होगा। जिला प्रशासन गीडा और उद्योग विभाग को उम्मीद है कि 10 फरवरी से शुरू होने वाले 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के पहले तक गोरखपुर में निवेश प्रस्तावों का आंकड़ा 75,000 करोड़ रुपए से अधिक हो चुका होगा। निवेश प्रस्तावों को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए जल्द ही जिले में निवेशक सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए योगी सरकार व्यापक कार्य योजना बनाकर काम कर रही है। इस दिशा में फरवरी में होने वाला ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। बीते करीब 6 सालों में शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सुदृढ़ कानून व्यवस्था और इंडस्ट्री फ्रेंडली पॉलिसी से उत्तर प्रदेश में देश दुनिया के निवेशकों का रुझान तेजी से बढ़ा है। निवेश की रफ्तार को और गतिमान करने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का अहम योगदान होगा। GIS को लेकर सरकार की तरफ से विभिन्न विभागों और औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को निवेश के लक्ष्य दिए गए हैं। इसके तहत गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा को मिले लक्ष्य को रिवाइज कर 40,000 करोड़ से बढ़ाकर 60,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। गीडा इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में तेजी से काम भी कर रहा है। गीडा के अलावा गोरखपुर विकास प्राधिकरण, उद्योग एवं हाथकरघा विभाग भी GIS में अपना भरपूर योगदान देने में जुटे हैं। इन विभागों की तरफ से रोज उद्यमियों से संवाद कर उन्हें सरकार की नीतियों, कारोबारी माहौल की जानकारी देकर नए निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। पहले राज्य सरकार के मंत्रियों के 16 देशों में रोड शो, फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंबई रोड शो, प्रवासियों, उद्यमियों, बैंकर्स व फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के साथ संवाद के बाद गोरखपुर समेत पूरे प्रदेश में अधिकाधिक निवेश की संभावनाओं को पर लग गए हैं। बेहतरीन रोड और एयर कनेक्टिविटी की सुविधा तथा उद्यमियों की मांग के अनुरूप पर्याप्त भूमि उपलब्ध होने के चलते समूचा गोरखपुर, खासकर गीडा, पहले से निवेशकों की पसंद बना हुआ है। इस बीच गीडा में 145 औद्योगिक और व्यावसायिक भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इनके जरिए भी बड़े पैमाने पर निवेश होगा। गोरखपुर में अब तक प्राप्त बड़े निवेश प्रस्ताव में ग्रीन अमोनिया प्लांट के लिए मेसर्स अवाड़ा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड निवेशक प्रवीण गोलास की तरफ से 22,500 करोड़ रुपए, पेपर मिल प्रोजेक्ट के लिए आरजी स्ट्रेटजी ग्रुप निवेशक प्रवीण गोयल की तरफ से 2,935 करोड़ रुपए, कांडला गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन निवेशक संजीव कक्कड़ की तरफ से 1,800 करोड़ रुपए, सोलर एनर्जी पार्क के लिए आरजी स्ट्रेटजी ग्रुप निवेशक प्रवीण गोयल की तरफ से 1,772 करोड़ रुपए, बांस आधारित उत्पाद के लिए आर्टिजन एग्रोटेक निवेशक देवोपम मुखर्जी की तरफ से 1,400 करोड़ रुपए, एथेनॉल और डिस्टिलरी के लिए कियान डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड निवेशक विनय कुमार सिंह की तरफ से 1,200 करोड़, कार्बोनेटेड ड्रिंक फ्रूट पल्प प्लांट के लिए वरुण बेवरेजेस निवेशक कमलेश कुमार जैन की तरफ से 1,071 करोड़, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट विस्तार के लिए अंकुर उद्योग निवेशक निखिल जालान की तरफ से 700 करोड़ रुपए, रेजिडेंशियल डेवलपमेंट के लिए के कंस्ट्रक्शन निवेशक जगदीश आनंद की तरफ से 600 करोड़ रुपए, टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए केयर प्राइवेट लिमिटेड निवेशक गौरव बथवाल की तरफ से 500 करोड़ रुपए, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस के लिए इंडियन टेकर्स निवेशक नौशाद अहमद की तरफ से 400 करोड़ रुपए, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के लिए जालान उद्योग लिमिटेड निवेशक ओम प्रकाश जालान की तरफ से 400 करोड़ रुपए, ग्रेन प्लांट आदि के लिए इंडिया ग्लाइकोल लिमिटेड निवेशक सुनील मिश्रा की तरफ से 400 करोड़ रुपए, कैंसर हॉस्पिटल के लिए हनुमान प्रसाद पोद्दार स्मारक स्मृति निवेशक रशेंदु फोगला की तरफ से
325 करोड़ रुपए, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग के लिए मेडलियन ट्रांसलिंक निवेशक संतोष कुमार जगदीश दुबे की तरफ से 300 करोड़ रुपए, फाइव स्टार होटल के लिए एडी एस्टेट डेवलपर्स निवेशक शोभित मोहन दास की तरफ से 300 करोड़ रुपए, टेक्सटाइल पार्क के लिए ABAR पेट्रो प्रोडक्ट्स निवेशक अशोक कुमार शाह की तरफ से 300 करोड़, टेक्सटाइल यूनिट के लिए जालान पॉलिटेक्स लिमिटेड निवेशक कविता जालान की तरफ से 250 करोड़, 250 बेडेड मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए रीजेंसी हॉस्पिटल लिमिटेड निवेशक अतुल कपूर की तरफ से 200 करोड़ रुपए, हैवी इंजीनियरिंग प्लांट के लिए RBM इंफ्राकॉन निवेशक जय बजरंग मणि त्रिपाठी की तरफ से 200 करोड़ रुपए, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए तत्वा प्लास्टिक पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड निवेशक राजीव खट्टर की तरफ से 200 करोड़ रुपए, हॉस्पिटल एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के लिए सेंट्रल एकेडमी एजुकेशन सोसाइटी निवेशक संजय मिश्रा की तरफ से 200 करोड़, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के लिए रुद्रा गैस इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड निवेशक कुश पटेल 200 करोड़, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए एस्प्रा लाइफ स्पेस निवेशक अतुल शर्राफ की तरफ से 200 करोड़ रुपए, रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी के लिए SD इकोस्फीयर प्राइवेट लिमिटेड निवेशक विनय अग्रवाल की तरफ से 158 करोड़ रुपए, बस बॉडी फैब्रिकेशन प्लांट के लिए कीर्ति इंटरप्राइजेज निवेशक अरुणेश शाही की तरफ से 150 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है।